मुझे उम्मीद थी आप जरूर आएंगे। उम्मीद तो मुझे तीनों के आने की थी। कितनी देर हुई तुम्हें यहाँ आए हुए? यही कोई 20 मिनट। वो नहीं आए? मैं काफी दिनों से उनको कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। 6 महीने से उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। बस मुझे लगता है कि कहीं वो हुआ नहीं हो रही हिम्मत? किस चीज की हिम्मत? अरे भाई उसी काम की जो करने आए हो तुम यहाँ। मैं तो यहाँ टहलने आया था। अच्छा, हाँ यहाँ से टहलते हुए तो सीधा यमलोक ही पहुंचोगे। मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अरे यार मेरी भी प्रॉब्लम वही है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बस हिम्मत नहीं हो रही यार। मतलब तुम भी? तो क्या किया जाए यार, काम करते हैं हम, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं अपने मकसद को अंजाम देने के लिए। ये सही रहेगा, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं जान देने के लिए। हाँ यार ये जिंदगी नहीं हुई है साले, कब्ज हो गई है, निकल ही नहीं रही है। एक काम करते हैं वहां चल के बैठते हैं। वहां तो वो साहब पहले से ही बैठे हुए हैं। अरे तो क्या हुआ, हो सकता है हमें देख के वो भी मोटिवेट हो, हम 2 से 3 हो जाए। चलो चलो। लेट्स स्टार्ट, करो मुझे मोटिवेट। वो सुन लेगा? नहीं सुनेगा, कान में तंबूरा जो लगा रखा। पक्का ना? तो बताओ क्यों करना चाह रहे थे आत्महत्या? शादी हुई है तुम्हारी? नहीं। तो पर शादी कर लो भाई, आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो? अरे दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। मैं समझा नहीं। अरे क्या नाम क्या बताया तुमने? वीर। वीर, वीर मैं संजय। यार वीर, पहले मैं ना बहुत खुश मिजाज इंसान था, बहुत खुश रहता था। फिर भाई एक दिन मेरी शादी हो गई। फिर क्या? और भाई साहब कुछ महीनों तक तो बहुत अच्छा चला। अरे मतलब सबसे अच्छे हस्बैंड वाइफ थे हम भाई, मतलब ये ना। मगर भाई साहब फिर कुछ दिनों बाद शिकायतें शुरू, गिटर पिटर शुरू। अरे तुम यहाँ नहीं लेके जाते, तुम वहां नहीं लेके जाते, तुम ये नहीं दिलाते, तुम वो नहीं दिलाते, फलाना ये दिला रहा है, फलाना वो दिला रहा है, पड़ोसी को देखो ये कर रहा है, उनके चाचा के बेटे को देखो, उसने उनकी बीवी को ये साड़ी दिला दी, उसने नेकलेस दिला दिया। मतलब जिंदगी तो जैसे ना बोलो भाई। पत्नी आपकी है, शिकायत आप ही से करेगी। अरे भाई साहब सुन रहे थे आप? इसे क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। समझ गए, टाइम दे पाते हैं घर में? हाँ भाई साहब, क्या है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में हमें अपना टाइम डॉक्टर के हिसाब से डिसाइड करना होता है। यहाँ अपने लिए टाइम नहीं है जनाब, घर में क्या टाइम दे पाएंगे आप? तो क्या आप पूरा दिन डॉक्टर के साथ ही रहते हैं? नहीं यार, पूरा दिन कौन रहता है, पूरा दिन तो नहीं रहते, मगर यार मीटिंग्स मिला के, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट वगैरह, बाहर बैठ के वेट करके 6-7 घंटे तो लगते ही है दिन के। और बाकी वक्त? बाकी वक्त दोस्तों यारों से मिलता हुआ चला जाता हूँ घर। भाई दोस्त जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन ये जरूरी नहीं उनसे रोज मिला जाए। आप उनसे हफ्ते में 2-3 दिन भी मिलकर बाकी वक्त अपनी फैमिली को दे सकते हैं। एक रिश्ते को कायम रखने के लिए जरूरी है कि उसे ज्यादा वक्त दे। अरे यार तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिया भाई साहब आपने? तो मेरे माँ बाप की तो शादी हुई है। हाँ उनकी तो हुई, सही कह रहे। चलो तुम्हारी बात मान के मैं अपने सुसाइड को पोस्टपोन कर देता हूँ अभी फिलहाल, आप फोकस करते हैं तुम्हारे सुसाइड पर। तो भाई साहब किया जाए आपके सुसाइड पे फोकस? क्या
तुम भी मेरे हक लाने की वजह से। कमाल है, आप अपने हक लाने की वजह से जान दे रहे हैं और यहाँ मेरी जिंदगी अभी 4-6 महीने की बची और मैं जीना चाहता हूँ। अरे आपको क्या बीमारी हो गई भाई साहब? मुझे कुछ वक्त से खांसी और चक्कर आ रहे थे और बदन दर्द ऐसा। मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, उन्होंने 3rd stage लंग कैंसर बताया। शिट, रियली सैड। कहाँ आपने टेस्ट वगैरह कहाँ करवाए? दर्शन डायग्नोस्टिक में। ये तो डॉक्टर सूरी का है ना? जी, डॉक्टर विनय सूरी। आपने कहीं क्रॉस एग्जामिन नहीं करवाया, मतलब किसी दूसरे डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, वो तो नहीं किया अभी। आई सजेस्ट कि एक बार करवा के देखिए, मतलब कई बार ऐसा होता है दिखाना चाहिए, कभी कभी तो दिखाना चाहिए। खैर मेरा छोड़िए, इन मरखुरदार की खबर लीजिए जो सिर्फ हकलाने की वजह से जान देने पे तुले हुए हैं। हाँ भाई, क्यों दे रहे हो जान? मेरा दर्द बस मैं ही समझता हूँ। क्या मेरा दर्द से बड़ा है आपका दर्द? आप लोग नहीं समझेंगे। अरे तो समझा दो भाई, हमें कहीं कोई जाना है क्या? अभी 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 भाई साहब अपने पास बहुत टाइम है, अभी हमने मौत का अपॉइंटमेंट कैंसिल किया है। मेरे पापा का एक छोटा सा गारमेंट का बिजनेस था, उस पे लोन लेकर उनने मुझे SVG कॉलेज से इंजीनियरिंग कराया। उसके बाद फिर जब जॉब नहीं मिली तो फिर MBA कराया, मगर उसके बाद भी जब भी मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जाता हूँ तो पहले ही राउंड में मुझे बाहर कर दिया जाता है मेरे हक लाने की वजह के साथ। दोस्त, जिंदगी बहुत कीमती है इन छोटी छोटी परेशानियों से। हमें तो उस वक्त पता चलता है जब हमारी जिंदगी रेत की तरह फिसल रही होती है। गम ना कर, घर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। कभी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी बेरोजगारी की शिकायत की? कभी किसी ने कोई आपसे कंप्लेंट की? नहीं नहीं, वो तो हमेशा कहते हैं अगर जॉब नहीं मिलती तो हमारे गारमेंट का बिजनेस संभालने लगो। तो फिर दिक्कत कहाँ है? बाकी एक सलाह मैं ये देना चाहूँगा आपको कि जब तक जॉब ना मिले अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। बिजी रहेंगे तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे भाई। भाई का नाम? अरमान खान। हाँ अरमान भाई, ठीक है भाई, ये भी करके देख लेते हैं। अब मैं भी अपना सुसाइड का इरादा पोस्टपोन कर दूंगा। सही है, हम भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज के दिन इसी जगह पे हम फिर से एक साल बाद मिलते हैं और देखते हैं कि किसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव हुआ है। क्यों भाई, क्या कहते हैं? खैर जिंदा रहा तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जैसी बात कर रहे हैं आप, जरूर जिंदा रहेंगे। बिल्कुल जिंदा रहेंगे यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मिलना एक साल बाद, राइट? आपका मोबाइल नंबर तो दीजिए मुझे। बस चलो। तुम्हारी सलाह बहुत काम आई। घर पे ज्यादा टाइम देने से शिकायतें कम हुई और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। थोड़ी बहुत गिटपिट तो अभी भी होती है यार, वो तो अब शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा ही है। अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। वेरी गुड। ओ आपके दोस्त? दोस्त कुछ दिन तो नाराज रहे, फिर धीरे धीरे करके वो भी समझ गए। अब हफ्ते के 2 दिन मैंने उनको पूरी तरह से डेडिकेटेड किए हुए हैं। तुम काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, हाउ इज़ योर लाइफ? बस आप लोगों के कहने से मैंने थेरेपी ली, उसकी वजह से मेरे हकलाने की आदत में काफ़ी हद तक सुधार आया है। और सही मानो तो मैंने इसको अपना लिया है, हकलाने की आदत को। मैंने अपने आप को कुछ भी कहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़। दैट्स ग्रेट। और जॉब में क्या हुआ? मैंने अपने पापा के गारमेंट्स के बिज़नेस को संभाल लिया है और उसी से थोड़ा सा लोन लेकर मैंने एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन बनाई है, जिसकी वजह से मेरे पापा का बिज़नेस 4 गुना मैंने बढ़ा दिया है। क्या बात है भाई, कोई जॉब हो हमारे लिए तो हमें भी बताना। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, और अरमान भाई की वजह से तो मुझे ये सब कुछ मिला है, वरना उस दिन तो मैंने सब खो दिया। क्या अरमान भाई? अरमान भाई भी हमको राह दिखा के पता नहीं कहाँ चले गए। सॉरी दोस्तों, आने में लेट तो नहीं हो गया? अरे अरमान भाई यार, अरे हम तो आपकी आत्मा की शांति की दुआएं कर रहे थे भाई। बस आप लोगों से मिलना था इसलिए ऊपर जाने का प्लान कैंसिल। और कैसी है सेहत आप? लजाओ आप।
बिल्कुल ठीक था। और फिर वो रिपोर्ट गलत थी। मैंने क्रॉस चेक कराया संजय भाई के कहने पर, तो किसी अरमान खन्ना की रिपोर्ट मेरे को दे दी थी, अरमान खान की। केस किया आपने उन पे? करी ना, चाहता तो नहीं था लेकिन करी, क्योंकि आइंदा कभी कोई गलती ऐसी ना हो, इसलिए जरूरी था। वाह भाई, कभी कभी ना जिंदगी को कुछ नहीं चाहिए होता, बस कुछ वक्त चाहिए होता है अपने आप को हील करने के लिए। ये एक अजीब ही बात है कि आज से एक साल पहले हम इसी जगह पे अपनी जिंदगी को खत्म करने आए थे और आज इसी जगह पे हमने अपनी जिंदगी को गले लगा लिया। कमाल। इसीलिए तो खूबसूरत जिंदगी है। जिंदगी कुछ लम्हों का हिसाब है, जिंदगी कुछ सांसों का, कुछ ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कहीं जरूरतें पूरी, कहीं ख्वाहिशें अधूरी, बस इसी का नाम है जिंदगी। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन सवालों का जवाब है जिंदगी।